अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, मुस्कुराता रखे। आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपने बच्चों के लिए की गई शॉपिंग, और मैंने अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली। मैंने रमज़ान से पहले ही अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली थी, बस उन लोगों की ज्वेलरी एक्सेसरीज जो होती हैं बच्चों की वो रह गई थी, बस वो मैंने जो है फर्स्ट जुम्मा जो है ना उसको भी मैंने कंप्लीट कर ली थी रमज़ान के पहले जुम्मे को। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, एक नई चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपको एक ऐप से मुतारिफ करवाने जा रही हूँ, और मैंने आप लोगों को भी इससे, आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं मैं ये चाहती हूँ। और आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने इस ऐप से जो है ना फ़ायदा उठाया है। तो जी, पाकिस्तान की एक ऐप है क्रेव मार्ट, तो उन्होंने अभी जो है ना डील ऑफ़र लगाई हुई हैं, फ्लैश सेल लगाई हुई हैं। तो मैंने तो खैर मेरे पास जो ना पहले वो ऐप थी, फिर मेरा मोबाइल चेंज हुआ तो वो ऐप मैंने डाउनलोड नहीं की थी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चला मेरे पास मैसेजेस आने लगे क्रेव मार्ट के, तो फिर मैंने क्रेव मार्ट और जो है ना उसको अपलोड किया, क्रेव मार्ट को डाउनलोड किया ऐप को, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इससे फ़ायदा उठाया, चले मैं फिर आप लोगों को उसके बारे में बताती हूँ। देख ये आप लोग देख रहे हैं चिकन वाइट कोरमा मसाला, बाज़ार में आप लोगों की कीमत पता है कि 40 रुपीज़ है, 40 रुपये का जो है ना ये पैकेट मसाले का मिल रहा है, उसमें मसाले भी थोड़ा कम ही होता है। तो ये देख, ये मसाला जो है ना पहले स्टार्टिंग में जो है ना ये 7 रुपये का साशे मिल रहा था ऑफर, डील ऑफर में ना, तो अभी मैंने फिर आप लोगों को दिखाऊँ तो मैंने 15 मसाले के पैकेट मंगवाए हैं ये शान के, और ये मंगाए हैं मैंने कराची का खास, बम्बई बिरयानी मसाला मंगाया है मैंने, ये नेशनल का ये पैकेट मंगाए थे मैंने, 4 पैकेट मंगाए थे बिरयानी के, तो ये मुझे 8 रुपये के हिसाब से पड़ा है, और ये भी 8 रुपये के हिसाब से पड़ा है। मैंने 15 मसाले के पैकेट मंगवाए थे जो ना मैं भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, मैं अपनी अम्मी को भी दूँगी, मैंने अपनी सास को भी दिया, मैंने फिर ये जो है ना 5 में अपने पास रखूँगी। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप इसमें वाइट कौरमे का मसाला है, मेरे जैसे आप लोगों को पता है ये मेरी वीडियोज़ में शॉर्ट्स में आप लोगों को ज़्यादातर ये देखने को मिलता होगा कि मैं बनाती हूँ ज़्यादातर वाइट कौरमा या वाइट चिकन कढ़ाई वगैरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वाइट सालन जो होता है ना वो उन्हें बहुत पसंद है, तो इस हिसाब से आप इसमें लाल कश्मीरी मिर्चें ऐड कर दीजिए तो ये आपका जो है ना लाल वाला कौरमे का सालन बन जाएगा। तो मैंने तो इससे फ़ायदा उठा लिया है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग क्रेव मार्ट को डाउनलोड कीजिए और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप जी तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं दिखाने लगी हूँ आज बच्चों की शॉपिंग। मैंने ईद से मैंने रमज़ान से पहले बच्चों की शॉपिंग कर ली थी। ये लिया था मैंने मरियम का सूट जो मैं पहनाऊँगी, हमारे घर में दावत होती है तो उस दिन जो है ना मैं ये सूट इसको पहनाऊँगी, स्पाइचे बने हुए, और वाइट लेते हुए पता नहीं क्यों डरती हूँ मैं, नंगरखा स्टाइल बना हुआ है ये, मैंने रेडीमेड, मैंने सारे रेडीमेड अब की जो है ना बच्चों के रेडीमेड लिए थे, पिछले साल मैंने बच्चों के सूट सिलवाए थे, लेकिन सिलवाना, लेसेस लेना और फिर उसकी सिलाई देना, कपड़ा लेना, वो बहुत फिर वही कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसी वजह से जो है ना हमने एक दो सूट जो है ना बच्चों के लेकर, और रमज़ान से भी पहले हमने शॉपिंग कर ली थी। ये कॉटन का सूट है, पजामा है इसके साथ, और ये फ्रॉक है, ये देखें शायद मैं ईद के पहले दिन पहना दूं इनको, मैं ईद के पहले दिन पहनाऊंगी ये फ्रॉक्स, ड्यू हैं या तो ये ईद के तीसरे दिन पहनेंगी, आप देखें अपनी नानी के घर जाएंगी तो क्या पहनेंगी ये अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ हुआ। और ये रेडीमेड लिया था, ये भी मैंने अबीहा के लिए लिया था, इसके साथ जीन्स पैंट है, जीन्स तो नहीं है मतलब कॉटन पैंट है, कॉटन की पैंट है इसके साथ, और ये मैंने जो है ना चिकनकारी टाइप का जो है ना ये लिया था, चिकनकारी का डिज़ाइन था, और ये भी अबीहा का ही मैंने फ़्रॉक ली थी अबीहा की। भाई बहुत रमज़ान में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती जाने की, और मैं गई भी नहीं, सही जो बात है
ये सारी शॉपिंग जो है ना मैंने बोरी बाज़ार सदर से की थी बच्चों की। ये अभी है कि फ्रॉक है, इसके साथ जो है ब्लैक, इसका ब्लैक टाइट्स है। और ये है मरियम की फ़्रॉक, ये मरियम की फ़्रॉक ली थी मैंने। और कमीज़ मैंने मरियम की चेंज कर ली थी, मैंने कहा चलो एक सूट जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। और ये मरियम की ली थी मैंने। और स्किन कलर का इसका जो है ना, ये इसका टाइट्स है स्किन कलर का। और मरियम की कटिंग हुई है कल, मरियम की कल कटिंग हुई है बालों की। और कल जो है ना, ये देखें कल से अब तक ये इतनी बार शीशे के आगे खड़ी हुई है, अपने बाल दिखा रही हैं बना बना कर, और खूब वो आगे से बाल यूँ कर रही हैं। इनके हमने पहले कटिंग करा दी थी और ये अभी चॉकलेट खा रही हैं। और मुझे पढ़नी है अभी ईशा की नमाज़। अच्छा, और इसकी कटिंग करवाई है कल। और मैं लोग की आपको ज्वेलरी एक्सेसरीज दिखाती हूँ अभी मैं आपको इनकी। और ये देखें माय यूट्यूब फैमिली, अबीहा के लिए जो है ना मैंने छोटा छोटा पर्स लिया था, ये पर्स लिया था, सामान में थोड़ा सा वो अबीहा के लिए लिया था मैंने पर्स, क्योंकि मैंने कहा छोटी सी इसकी छोटा सा पर्स लूँगी। और ये लिया था, ये लिया था मैंने मरियम के लिए। और किचन लगी हुई, ये मैंने ली थी, ये मैंने लिया था मरियम के लिए। इसमें छोटा सा जो है ना, इसमें छोटी सी किचन लगी हुई है, कैट बनी हुई है। और ये लिया था मैंने अबीहा के लिए पर्स, ये भी मैंने बोरी बाज़ार से लिया था, ये मरियम के हैं क्लिप्स। और ये वॉच ये अबीहा के लिए ली थी, और ये मरियम के लिए ली थी। और भाई ये ग्लासेस हैं इनके, दिखाती हूँ मैं आपको, चूड़ियाँ हैं ये मल्टी, ये वाइट और स्किन कलर के सूट के साथ, ये वाइट और स्किन के सूट के साथ ली थी। मल्टी कलर्स की जो फ्रॉक दिखाई थी मैंने, कि उसके साथ मैंने चूड़ियाँ ली थी। ये कड़ा लिया था मैंने हवाई तरफ जो मार्केट है वहाँ से लिया था, ये मैंने सिल्वर कलर का। ये क्लिप्स लिए थे छोटे छोटे, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये वाइट कलर का, ये मैंने लिया था। और ये लिया है अबीहा के लिए फ्रॉक के साथ, फ्रॉक के साथ इसकी इसका ब्रेसलेट है। और ये छोटे छोटे से क्लिप्स लिए थे वाइट कलर के, और कैचर्स ली थी ये मल्टी कलर में, ये भी अबीहा के फ्रॉक के साथ लिया था मैंने। ये मरियम ने मरियम के लिए एक एक्स्ट्रा कैचर ले लिया था। और ये मैंने कराई थी मरियम के लिए, तो अब मैंने सोचा कि ये मरियम के लिए लूँगी, तो फिर अब पीछे अबीहा भी है, फिर उसके लिए भी जो है ना मैंने फिर ये लिया मैंने फिर अबीहा के लिए। और ये है ईद की शॉपिंग, और ये है अबीहा का ग्लासेस। और अभी तो मैं आप लोगों के साथ अपने आगे के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती रहूँगी, जो बच्चे मुझे ईद पर जो ख़ास तौर पर स्पेशली तैयार होने में मुझे तंग करते हैं ना, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें मैंने ये सारी चीज़ें जो ना छुपा कर रखी हुई थी इनसे ना, ये ईद से पहले पहले ना इसका सबका तहस नहस हो चुका होता, चेहरा उनका छोटा सा है लेकिन चश्मा उनका बड़ा चाहिए। आपके घर में भी बच्चियाँ होंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी जो है ना सारे एक्सपीरियंसेस ईद से पहले पहले यही हो रहे हैं जो मेरे साथ हो रहे हैं। और आप लोगों को मैं इनके शूज़ भी दिखाती हूँ। और ये देखें माय यूट्यूब फैमिली, ये लेकर आई हूँ मैं मरियम के लिए, ये लेकर आई थी मैं मरियम के लिए। ये मैंने लिए थे गोल्ड मार्क से। और ये भी जो है ना 1200 रुपए की बोल रहे थे, बहुत मुश्किल से जो है ना मैं 900 रुपए तक की करके करवा के लेकर आई थी। सॉफ्ट इसका जो है ना सोल जो है वो सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा है। ये देखा जाए पहनना शुरू कर दी मैंने, बॉक्स में डालिए ईद पे पहनाऊँगी। और सेम अबीहा की भी मैं ऐसी ही लेकर आई थी। भाई ये दोनों बहुत लड़ती हैं, दोनों की चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए वरना होनी नहीं चाहिए, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। सेम चीज़ें लेती हूँ। अब ये देखें पर्स तो मैंने अलग-अलग ले लिए हैं, अब इनका अल्लाह मालिक है कि इनका
क्या होगा। आप मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त दीजिए के साथ के अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा मुझे याद, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और रमज़ान का आज 28 रमज़ान मुबारक, और रमज़ान जो है वो जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हमें आने वाले जो है ना माह रमज़ान जो है हमें अल्लाह के हुक्म से वो माह रमज़ान हमें मिलते रहें और हम इसी तरह से बरकतें समेटते रहें। और अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, इस दुआ के साथ के अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा मुझे याद, मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने की बात।